उन्होंने सोचा कि वे अपने गंदे काम से मुझे दफना सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे मैं तो अभी शुरुआत कर रहा था। मैं लाल चंदन की तस्करी करके बड़ा आदमी बन गया और जो मेरा है उसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मेरे पास धन या शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे वे कभी नहीं छीन सकते, मेरे लोगों का प्यार। मेरा शिकार किया जा सकता है, लेकिन मैं कभी टूटूंगा नहीं। मैं जिस चीज पर विश्वास करता हूं उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वे मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे हम सभी के भीतर जल रही विद्रोह की भावना को कभी नहीं मार सकते। प्रत्येक जीवन के लिए मेरे नाम पर 100 और लोग उठ खड़े होंगे। यह अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। सब पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर। एक ऐसे व्यक्ति की गाथा जिसने शक्तिशाली को चुनौती देने और शक्तिहीन के लिए लड़ने का साहस किया। फाइनली बहुत इंतजार के बाद अब पुष्पा 2 मूवी की टीजर और ट्रेलर आने वाला है, और उसके पहले ही इस फिल्म के एक पोस्टर सामने बाहर के आ चुका है, जहां अल्लू अर्जुन एक सिंहासन पर बैठे हैं कुल्हाड़ी लेकर, और पीछे पुष्पा की गैंग है। सुकुमार के डायरेक्शन पर बनने वाले फिल्म पुष्पा 2, जहां अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल नजर आएंगे। ये मूवी इसी साल की 15 अगस्त को रिलीज होने वाला है। देखा जाए तो अल्लू अर्जुन के फैंस अभी से ही इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, और थिएटर में रिलीज होने के बाद ये मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है। 500 करोड़ मूल्य से बनी पुष्पा 2 मूवी 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। वैसे आप कितने एक्साइटेड हो अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 मूवी को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।